Today topic, still life fruit composition, medium pastel color. So, यही आज का topic. So, illustration हम हल्का से थोड़ा कर दिया है. उसके बाद details में हम जा रहे हैं. So, next work में हम चल रहे हैं. तो हल्का स्केच हम कर दिया है. उसके बाद हम ब्लैक आउटलाइन में चल रहे हैं. द टॉपिक इज स्टिल लाइफ फ्रूट कंपोजिशन. सो अभी देखो हम आउटलाइन कर रहे हैं. सो स्केच आउटलाइन स्केच अभी कंप्लीट. उसके बाद अभी हम कलर में चल रहे हैं. पहले हम इसको इस साइड में व्हाट कलर नेम येलो ऑकर. सो येलो ऑकर इस साइड में हम कर. धीरे हल्का हो जाएगा. इसके बाद ब्राउन येलो के साथ मिक्सिंग हो गया. हल्का से मिक्सिंग कर दो. ये पोर्शन थोड़ा डीप ब्राउन कर दो. इसके बाद धीरे धीरे लाइट हो जाएगा.
हल्का से ऑरेंज ब्राउन के साथ थोड़ा मिक्स कर दो। लाइट ग्रीन रेड प्राइमरी रेड प्राइमरी रेड के साथ येलो ऑकर हम थोड़ा इसको साथ यूज कर देते हैं। येलो ऑकर प्राइमरी रेड का साथ येलो ऑकर मिक्सिंग किया। डीप ब्राउन इसी के ऊपर में कर दो। ब्राउन के साथ हम ये शैडो पोर्शन है तो ब्राउन के साथ हम मिक्सिंग किया है डीप ब्लू यानी प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू हम इसको मिक्सिंग किया है फर्स्ट ब्राउन उसी के ऊपर प्रूशियन ब्लू। तो अब क्या होगा ये शैडो पोर्शन थोड़ा और भी थोड़ा ब्राउन इज ब्लैक लुकिंग होगा शैडो हो जाएगा दिस पोर्शन लाइट एंड शैडो। धीरे धीरे मिक्सिंग कर दो। हाथ से फिंगर से थोड़ा मिक्सिंग कर
डार्क पोर्शन उसको थोड़ा डार्क कर दो, व्हाइट पोर्शन ऑफ कर दो, जो जो व्हाइट दिख रहा है उसको मिक्सिंग करना। साइड से हल्का शैडो कर दो, तो डार्क पोर्शन हो गया। अभी हम कोर्स में चल रहे हैं। तो इसको पहले येलो कर दो, दिस पोर्शन इसको भी हल्का से येलो कर दो। उसके बाद रेड कर दो, प्राइमरी रेड। कैसे इसमें येलो के साथ मिक्सिंग करो। व्हाइट पोर्शन थोड़ा हाईलाइट करना है, इसको हम थोड़ा व्हाइट टच किया है, दिस इज द हाईलाइट पोर्शन, थोड़ा हल्का से हाईलाइट। नीचे हल्का ब्लैक टच कर, एकदम हल्का से ब्लैक टच करना, डीप मत करो तब हार्ड हो जाए। तो हम इसको फिंगर से थोड़ा मिक्सिंग कर दें। ऑरेंज कर देता है इसमें,
एस्टेल मीडियम तुम लोग को जो है डार्क टू लाइट पहले तुमको देखना है, डीप टोन से लाइट टोन करना है। तो पहले तुम लाइट टोन करने के बाद हाईलाइट पोर्शन जब छोड़ना है तब डार्क पोर्शन पहले करना है, उसके बाद लाइट पोर्शन। तो हम पहले देखो ऑरेंज का कलर पहले हम लाइट टोन कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे डार्क टोन में हम जाएंगे। तो लाइट टोन हो गया ऑरेंज, अगेन हम इसमें रेड में जा रहे हैं, डीप टोन, डीप लाइट टू डीप, ऐसा करके चलो। पहले लाइट टोन चलाओ, उसके बाद डीप टोन। हल्का से हैंड से मिक्सिंग कर दो, हो गया। इसके बाद ब्लैक से साइड में हल्का करके ब्लैक हल्के से टच कर, इसके बाद इसको मिक्सिंग कर। सो कंप्लीट, अभी हम बनाना में चल रहे हैं। जो पहले येलो कर दो, लेमन येलो हम फर्स्ट किया, उसके बाद ऑरेंज हम उसी के ऊपर दे रहे हैं। कर दो, व्हाइट पोर्शन ऑफ हो गया, का ब्राउन से बनाना में साइड में शैडो का। उसको बाद इसको सॉलिड ब्राउन कर, ब्लैक ओनली दिस पोर्शन ब्लैक यूज होगा। दिस वन इज कंप्लीट। लेकिन ग्रेप्स में हम चले जाते हैं, ग्रेप्स में हल्का से येलो कर दो, देन लाइट ग्रीन पोर्शन टच कर दो, लाइट ग्रीन टच हो गया, अगर ब्रिलियंट ग्रीन से तीनों टोन इसमें यूज करना।
जो जो फ्रूट्स था वो कंप्लीट हो गया, अभी बैकग्राउंड टेबल में हम जाएंगे बेस कलर। सो बेस कलर रोज पिंक में हम चल रहे हैं, पिंक पिंक में हम बेस कर रहे हैं। इस कलर में हल्का से तो ब्लू टच कर देते हैं जो अच्छा लगेगा। सो पिंक कलर के साथ हम कौन कलर यूज किया है, अल्टरमेरिन ब्लू। अभी जो कर रहे हैं दिस कलर अल्टरमेरिन ब्लू, और इसको पहले जो कलर यूज किया है पिंक। सो कलर इज नॉट कंप्लीट, बैकग्राउंड कलर की जरूरत नहीं, व्हाइट ही रखेगा तो अच्छा लगेगा। सो स्टिल लाइफ इज कंप्लीट कलर स्कीम। ओके, थैंक यू।